अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। 18 जून 2017, जी आज के दिन पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन बना, तो हमने खूब शोर किया, हॉर्न बजाए, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो हॉर्न से रिलेटेड है। एक शख्स एक फूड चेन की ड्राइव थ्रू में खड़ा था, गाड़ी में था, जारी बात है, तो रश बहुत था। ये उस वक्त की बात है जब ना लॉकडाउन था ना कोरोना था, एक दूसरे से मिलना जुलना ही हमारा ओढ़ना बिछोना था। 6 दिन काम था, ना नज़ला था ना ज़ुकाम था। अब काम नहीं है लेकिन आराम भी नहीं है, हालांकि आराम कर रहे हैं, अल्लाह करे वो दिन लौट आए। जी तो वो ड्राइव थ्रू में खड़ा हुआ था, तो उसके पीछे से जो गाड़ी वाला था वो हॉर्न बजाया जा रहा था। उसने देखा बड़े उसको, लेकिन बड़े पेशेंस के साथ, तो उसने कुछ नहीं कहा। तो ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद जब वो अगली विंडो में गया तो वहाँ पे उस शख्स ने क्या किया, जो कि आगे था उस हॉर्न बजाने वाले से, उसने उसका भी बिल पे कर दी। अब वो शख्स शर्मिंदा के, देखो मैं हॉर्न बजा रहा था और इसने मेरा भी बिल जो है वो पे कर दिया। इसके बाद क्या हुआ ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है। तो होता क्या है कि हम एक जगह रहते थे, वहाँ पे एक शख्स का क्या काम था कि गली के एंड से यानी शुरू से जब वो आता था और उसने अपना हॉर्न बजाना शुरू करना, घर तक हॉर्न बजाना। भाई दूसरे लोग, ठीक है तुम बताना चाह रहे हो कि तुम आ गए हो और दरवाज़ा खोल दिया जाए तुम्हारे लिए, लेकिन बात यह है कि भाई कोई पेशेंस होता है, कोई बीमार भी हो सकता है, तो ये आम रूटीन है। अक्सर मैं इस टाइम वीडियो बनाता हूँ ये कोई 12 बजे के बाद, जब मेरा छोटा बेटा सो जाता है, तो क्या होता है जी, साथ वाले एडिटिंग सीख लिया है तो कटिंग कर लेते हैं। तो बहरहाल तो ये चीज़ बड़ी ही ज़्यादा हमारे एक डिप्रेशन का बाइस बन रही है। आमतौर पर हम देखते हैं ट्रैफिक जैम है, पीछे गाड़ी वाला पाँ पाँ पाँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उतरता हूँ, भाई ऐसा करो आप आगे आ जाओ, मैं आपके पीछे वाली गाड़ी में आ जाता हूँ। भाई मैं कोई शौक से तो नहीं खड़ा हूँ। तो हॉर्न जो है वो गैर ज़रूरी हमें नहीं बजाने चाहिए। अब आते हैं उस वाक़े की तरफ। तो उस शख्स ने, मैंने बताया आपको कि जब वो पहली खिड़की पे खड़ा था, ऑर्डर दे रहा था, तो जो पीछे वाला था हॉर्न बजाया जा रहा था, तो वहाँ उसने ऑर्डर दिया, फिर उसके बाद दूसरे ने भी ऑर्डर दिया, अगली जो विंडो है वहाँ पे बिल पे करना था, उसने उसका भी बिल पे कर दिया। उसके बाद तीसरी जो विंडो थी वहाँ से ऑर्डर वसूल करना था, तो उस शख्स ने वहाँ से वो ऑर्डर वसूल किया, अपना भी और उसका भी। तो बात यह है कि अब उस शख्स का क्या बनी होगी जो हॉर्न बजा रहा था, दोबारा से गाड़ी को ला के लाइन में लग के और वो फिर डर। तो ये रवैये हैं हमारे, हमें इन रवैयों से बचना चाहिए ताकि आप दूसरों को डिप्रेशन जो है वो ना दें, ताकि वो आपको डिप्रेशन ना दें। तो इंशाल्लाह ताला चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी मैं एक वीडियो करूँगा। पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, कोई चांस नहीं थे, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी थी कि हम जीत गए और अभी तक चैंपियन है, क्योंकि उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी हुई नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।